मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोग को वैद्युतिक मापक यंत्र अर्थात मीटर्स चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, जो क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, सूचक मापिक यंत्र के पॉइंटर में गति उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर है विक्षेपण बल, डिफ्लेक्शन फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, एमसी मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर होगा डीसी मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर में नियंत्रण बल के लिए प्रयुक्त धातु का नाम क्या है? आंसर है फास्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किस रूप में दर्शाई जाती है? आंसर है ओम ऑब्लिक वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण स्प्रिंग में अर्थात कंट्रोलिंग स्प्रिंग में कौन सा गुण नहीं होता है? आंसर है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआई मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? डायनेमोमीटर का उपयोग एसी और डीसी दोनों मापने के लिए किया जाता है। वाट मीटर में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? आंसर है विद्युत डायनामिक प्रभाव। आंसर है विद्युत डायनामिक प्रभाव। वाट मीटर में कम से कम कितने परिपथ होते हैं? आंसर है दो। वाट मीटर में दो परिपथ होते हैं। क्वेश्चन है, ओम मीटर को प्रयोग करने से पहले क्या करना आवश्यक होता है? आंसर है ओम मीटर का प्रयोग करने से पहले पॉइंटर को शून्य पर व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर के स्केल का कौन सा भाग यथार्थ होता है? आंसर है मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर द्वारा सही मान प्राप्त करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? आंसर है मीटर के तार को हाथ से स्पर्श नहीं करें, अर्थात प्रोब के दोनों पॉइंट को हाथ से कभी भी नहीं छुएंगे। ऐसा करने से हम लोग के शरीर का बॉडी प्रतिरोध भी मीटर शो कर देता है, या अगर कोई कंपोनेंट रेसिस्टर सर्किट में लगा हुआ है तो उसके एक सिरा को कम से कम सर्किट से अलग कर ही उसका प्रतिरोध का मान मीटर से चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीओ मीटर द्वारा रेसिस्टर मापते समय कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होता है? एवीओ मीटर अर्थात मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में कॉमन सिरा जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है, जो सिंगल होता है और जिसमें हम लोग प्रायः ब्लैक तार का यूज करते हैं, वोल्टेज और करंट मापते समय यह सिरा नेगेटिव का काम करता है, लेकिन रेसिस्टर मापते समय यह सिरा पॉजिटिव का काम करता है। अर्थात जब मीटर को हम लोग एक तार को कॉमन में और दूसरे को 1 मेगा या 10 किलो में रखते हैं तो कॉमन सिरा पॉजिटिव का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में बैटरी न होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मल्टीमीटर में बैटरी न होने पर केवल रेसिस्टेंस रेंज काम नहीं करेगा, अर्थात ओम मीटर काम नहीं करेगा। वोल्ट मीटर अर्थात एसी वोल्टेज डीसी करंट उस मल्टीमीटर से हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्ग टेस्टर में क्या होता है? टॉन्ग टेस्टर में एक आमीटर के साथ सीटी
अर्थात करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं? मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, पहला एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर में स्केल होता है जिसके ऊपर पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है और उसके अनुसार हम लोग मान को कैलकुलेट कर ज्ञात करते हैं, जबकि डिजिटल मीटर में एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी होता है, डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर जो भी वैल्यू हम चेक करते हैं वो अंक के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोल्टेज का मान आपको पता नहीं है तो मल्टीमीटर में हम लोग कौन से रेंज का चुनाव करेंगे? अधिकतम रेंज का जो स्केल दिया हुआ है, अर्थात अधिकतम रेंज जो उस मीटर का है, अज्ञात वोल्टेज चेक करते समय उसी रेंज का उपयोग करेंगे और जब ये सुनिश्चित हो लेंगे कि वह मान हमारे निम्न मान से कम है तभी निम्न मान वाले में उसको चेक करें। जैसे अगर 1000 वोल्ट रेंज में रखे हुए हैं और उसमें यदि 50 वोल्ट से कम डिफ्लेक्शन है तभी हम लोग मीटर को 50 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर के द्वारा क्या नहीं मापा जा सकता है? तो मल्टीमीटर के द्वारा कैपेसिटर नहीं मापा जा सकता है,